चाहते हैं जोड़ कैसा होना चाहिए? देखें जी, उड़ते तो खुले जोड़ों वाले भी हैं, तंग जोड़ों वाले भी हैं, लेकिन ब्लीडिंग के लिए आप बंद जोड़ के कबूतर रखें, बंद नीचे की हड्डी बड़ी हो जी, ब्रीडिंग के लिए, ब्लीडिंग के लिए वो फिर बहुत अच्छे आगे काम करेंगे। जी जी। जी दोस्तों, उस्ताद इकबाल के साथ फिर हम लोग एक ये जो ब्रीडर कबूतर है आप लोगों को दिखाने के लिए आए। इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था उड़ान वाले कबूतर, और साथ जी आपके माशाल्लाह ये सारे ब्रीडर कबूतर हैं। जी जी जी। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह सेटअप इतना अच्छा बनाया है कि दिल खुश होता है यहाँ बैठने के लिए और कबूतरों को देखने के लिए। दिल करता है सारा दिन बैठे हैं जी, जरूर बैठे जी, दिल नहीं करते जितना मर्जी आपका दिल करे बैठे जी देखें। और आप सर जी माशाल्लाह इतना शौक यही है देखने से, और मुझे मेरा तो दिल बहुत खुश हो रहा है, खासतौर इतने अच्छे कबूतर। यकीन मानो मेरा सर में इतना दर्द था जब पहले आया, जो कबूतरों को देखा और यहाँ सेटअप देखा, सर का दर्द ही खत्म हो गया। शुक्रिया जी। सर जी अपने माशाल्लाह जोड़े हैं, तो जोड़ों का जो पहले हम लोगों ने उड़ान वाले कबूतर दिखाया, तो अभी दोस्तों को जितने हमारे व्यूवर्स हैं उनके शौक कराते हैं जोड़ों के वजह से, क्योंकि वीडियो को मुख्तसर करते हैं कि लोग हमेशा कहते हैं कि आप बहुत तवील लंबी करते हैं, क्योंकि जोड़े बहुत इतना तो नहीं दिखा सकते, सारा दिन लगेगा। चंद मुख्तसर में आपको सर आप हमें दिखा लें ताकि हमारे दोस्त देखें, और कुछ फिर जोड़ों के हवाले में बात करेंगे। ज़रूर है, तो आए शौक करते हैं तो जोड़े के कबूतर दिखाएंगे जी। दोस्तों ये जोड़े वाले सेक्शन है उस्ताद के, आप लोग को जोड़े दिखाएंगे। इस तरफ पूरे तमाम टैडी कबूतर सारे टैडी हैं, ये प्योर टैडी हैं जी जी। दूसरे सेक्शन में कुछ टैडी का मगर क्रॉस जोड़े लगे क्रॉस जी। हाँ जी, चलो पहले ये देखते हैं कुछ यहाँ से और वहाँ भी देखेंगे। जरूर जरूर, तो आप दिखा दें हमारे व्यूवर्स को कि टैडी ओरिजिनल टैडी कैसे होते हैं। देखें जी, जरूर देखें जी, आप शौक करें जी, शौक जी। ये सलारे टैडी है जी, शौक करें दोस्तों, आए देखें सलारा टैडी उस्ताद के जी। परों का शौक करे और आंखों का शौक करे, अच्छे कबूतरों का शौक करे। सर जी एक बात पूछना चाहते हैं, हाथ में कबूतर है आपके, अभी जो इसके आंख है सर पूरे, कोई टेडी का वाइट आता है, कोई का लालगी आता है, कौन अच्छा बेहतर काम करता है आपके ख्याल से? देखिए जी, टेडियों में जो अच्छा पहचान हो उड़ाने के लिए लाल डोरे वाले कबूतर टैडी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जोड़ों में भी अब आदमी चाहे प्योर वाइट आंक के कर ले या थोड़ा रेड आंक करें तो जी जी ज़्यादा परवाजें आएंगी। लेकिन हम देखें, मैं तो शौक करता हूँ बाजियों का जी। मैंने तो अपने मुशाहदे में यही देखा है, जो टैडी कबूतर जी जी लाल डोरे वाले उनकी परवाजें ज़्यादा हैं, उनकी वापसी अच्छी है, वापसी भी अच्छी है जी जी। तो यानी मेरे हिसाब से बेस्ट जो लाल डोरे वाले मेरे हिसाब से टेडी फिर वही अच्छे हैं। जी जी जी। हाँ दोस्तों, शौक करे देखे उस्ताद के, उस्ताद इकबाल रासिल खेमा से उनका शौक आप लोग को आज दिखा रहे हैं, तो नायाब कबूतरों का शौक कर रहे हैं। और देख ले उस्ताद कहते हैं कि लाल डोरे अच्छे होते हैं जो बाजियों में उड़ने वाले कबूतरों, खासतौर पर परवाज वाले कबूतर, खास तौर पर परवाज में लाजवाब होते हैं, लाल डोरे वाले ज़्यादा चाहिए। तो जी इसको पर देख ले, शौक करे उस्ताद के कबूतरों का शौक करे। मादी टेडी, ये मादी टेडी है, देखें शौक करे दोस्तों टेडी कबूतरों का। यहाँ अभी आप लोग को जितने दिखा रहे हैं ये सारे टेडी कबूतर है, और इनके आंख भी चेक करें आप लोगों को पता चल जाएगा किस आंख के कबूतर है, किस पर के कबूतर है। शौक करें दोस्तों, लाजवाब नायाब, जितना खूबसूरती उतना शौक करें दोस्तों, देखें शौक करें दोस्तों, परों का भी शौक करें। सर जी एक कबूतर आपके हाथ में है तो इनके हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ जी जी, कि एक पत्ता दुम लाजमी है जोड़ों में या उड़ान में? देखें जी, एक तो कुला दुम होता है, कोई होता है, वो आपकी बात सही है जी जी। लेकिन कबूतर का हुसन बंद दुम में ही बंद दुम में ही है।
हड्डी थोड़ी बड़ी हो जी जी, दुम बिल्कुल कैंडे में हो जी जी, फिर ही कबूतर की ब्यूटी है। हाँ, जोड़े वाले कबूतर खुली दुमों के तो नहीं नहीं होते, होना चाहिए लेकिन सही, बाकी मैं नहीं कह सकता जी जी, जिसने जो अपना शौक रखा होगा बेहतर ही रखा होगा। और जोड़ के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, जोड़ कैसा होना चाहिए? देखें जी, उड़ते तो खुले जोड़ों वाले भी हैं, तंग जोड़ों वाले भी हैं, लेकिन ब्लीडिंग के लिए आप बंद जोड़ के कबूतर रखें, बंद नीचे की हड्डी बड़ी हो, बड़ी हो जी, ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए वो फिर बहुत अच्छे आगे काम करेंगे जी 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 जी। माशाल्लाह, सुने उस्ताद के बातें, माशाल्लाह अच्छे अच्छे बातें, टिप भी दे रहे हैं, साथ साथ में शौक भी करा रहे हैं आप लोग को। जो पीछे पड़े ये देखें आप, इनमें लाल डोरे जी जी, ओरिजिनल कबूतर हैं ही ये लाल डोरे, लाल डोरों में जी जी। बाकी अब लोगों ने शो पीस वाइट आंख बना ली है, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए जी जी। अगर किसी की छत पे कोई वाइट आंख वाला को शाम को 7 के बाद बैठा तो हमें दिखाएं जी जी। हाँ, ये जबरदस्त बात आपने बोला जी, शौक करें माशाल्लाह, देखे साथ साथ में हम लोग गपशप भी लगा रहे हैं, शौक भी आप लोग को दिखा रहे हैं, जबरदस्त माशाल्लाह शौक है उस्ताद के, देखें। अभी आप लोग को हम लोग दोस्तों दिखाएंगे जो, हाँ दूसरा सेक्शन है उस्ताद का, बाकी मालक तो कहते हैं ये मेरे सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं जी। लेकिन जिस आदमी ने जैसा शौक रखा है जी जी, ठीक है, आए वहाँ उस्ताद देखते हैं कुछ क्रॉसों में आपने लगाया कबूतर, चलें ठीक है जी, लें जी शौक करें जी, शौक करें दोस्तों जी। उस्ताद जी इसके बारे में भी कुछ बता दें जी। सलारा कबूतर है जी, सलारे माशाल्लाह, रिजल्ट अच्छा है इसका भी माशाल्लाह, बच्चे इसके भी अच्छे उड़ते हैं। जितने नए शौकीन हैं देखें, इनके पल्ला देखें, परे देखें माशाल्लाह, देखें ये कबूतर बड़े हैं साइज वाइज जी जी, पंजों का शौक करें माशाल्लाह, शौक करवा देते हैं जी आपको जी जी। लो जी, एक मगर कबूतर है हमारे पास, डब वाले, डब वाले हैं सर, डब वाले भी कमंगरों में से आते हैं जी 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 जी, शौक करें दोस्तों। 10-10 ही काले जी जी, शौक करें। और यहाँ उस्ताद ने कुछ क्रॉस लगाए हुए हैं कबूतर, उनका आप लोगों को शौक कर रहे हैं, देख लें दोस्तों। पंजे भी देख रहे हैं, ये भी जी आप कहेंगे वही कबूतर पकड़ लिया, सेम वही है, सेम चीज़ है, उसी की भाई है, उसी की भाई है, 10-10 ही काले पल्ले जी जी, शौक करें दोस्तों। डब वाले कबूतर हैं जो कमंगर भी कहते हैं, कदीम नस्ल है जी, पुरानी पुरानी नस्ल है, शौक करें। उस्ताद इकबाल के जैसे आप लोगों को शौक दिखा रहे हैं, सजी इनका रिजल्ट टेडियों के साथ अच्छा रिजल्ट है जी, टेडियों के साथ बड़ा अच्छा रिजल्ट, अच्छा यानी इनको क्रॉस करेंगे टेडियों के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं जी, बटेरों के साथ भी क्रॉस करें बहुत अच्छा रिजल्ट, बटेरों के साथ भी अच्छा रिजल्ट इनके, गर्मियों में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा जी जी, शौक करें दोस्तों देखें। एक ही जैसे ही है, शौक करें दोस्तों। ये भी डब वालों में से, ये तीन चार एक जैसे ही हैं जी, ये तीन चार हैं एक जैसे, एक ही सेम शक्ल है। हाँ हाँ, इनके माँ बाप एक ही हैं सर जी, ये अलग अके अलग अलग हुए हैं जी, अब जी कुछ कलसरे कलदुम्बे भी निकलते हैं, कुछ ये छापदार भी सर जी। क्रॉस में आप ये टेडी तो कमंगर दिखा रहे हैं, तो क्रॉस में आप कौन से ज्यादा ब्रीड लगाए हुए हैं, यानी यही टेडी कमंगर या टेडी कमंगर लगाए हैं साथ, कुछ कमंगरों के साथ बटेरी मादी, बटेरे भी मादी लगाए हुए हैं, बटेरों को भी टच दिया, टच दिया हुआ है जी 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 जी, तो उनका भी माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आपके पास आ रहा है जी, जबरदस्त हो गया, शौक करें। ये भी कमंगर कबूतर है जी,
ये भी कमंगरों में से पुराना कबूतर है हमारा, पुराना कबूतर है जी। शोक करे, बड़ी शोहरत पाई इन कबूतरों ने हमारा आदमी में भी जी जी। नंबर 5 से, नंबर 5 से हाँ। जी दोस्तों, शौक करें बटेरे के उधर का उस्ताद इकबाल के जी रासल खेमा से शौक आप लोग को दिखा रहे हैं, जो नया आपको उधर दिखा रहे हैं आज, हमें दिल खुश खुश कर दिया उस्ताद ने। देखिए भाई, साथ इनमें कमंगरों के साथ भी लगाया हुआ है जी, कुछ कमंगरों के साथ भी लगाए हैं, कुछ टैडियों में भी क्रॉस दिया है इनका। इंशाल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी जी। जी ज़रूर, ज़बरदस्त वापसी के बादशाह, वापसी के बादशाह। बस थोड़ा इनमें ये एडवांटेज है कि यहाँ हमारा का मौसम वगैरह ख़राब होता रहता जी है। जी जी, तो इन कबूतरों की वापसी अच्छी है, वापसी अच्छी है। तो बाजी में इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, वेदर का जी। तो बटेरों की वापसी है जी, जितनी वापसी अच्छा होगा तो इतना ही अच्छा है जी। सर ये जोड़ा लगाने में क्या चीज़ें अच्छा ही होना चाहिए लगाने में, ताकि एक टिप छोटा सा मिल जाए दोस्तों को। देखिए जी, अपना अपने फार्मूले हैं जोड़े जी लगाने के। मैं जोड़े उन कबूतरों के लगाता हूँ पहले जो चेक उड़ाए हूँ, जो पहले उड़ाए हूँ, उड़ाए जो आपने रिजल्ट उनसे अच्छा लिया। 3-4 साल हैं, उन्होंने हिस्सा लिया हो, उनकी कारकर्दगी का पता हो, पता हो, फिर आदमी जोड़े। मैं मेरा तरीकाकार तो ये है, यानी लोग कुछ आते हैं डायरेक्ट लगाते हैं वो, नहीं पहले आप कबूतर को उड़ाएं, उड़ाएं, चेक करें, उड़ा के उसका रिजल्ट लें, 3-4 साल वो कबूतर कैसा उड़ता है फिर आपको पता, सही निचोड़ लें, फिर आप जोड़ा लगाएं। जी जी, हम तो ऐसे ही निकलवाते हैं बच्चे, जो हमारे उड़े हुए कबूतर हैं जी, आगे से उनका ही रिजल्ट अच्छा, रिजल्ट आगे अच्छा ही निकल जाता है। जाहिर है 3-4 साल तक ही कबूतर उड़ता है, उसके बाद फिर हम जोड़े डाल लेते हैं जी, जबरदस्त। तो फिर उन्हीं के बच्चे आगे बाजियों में काम आते हैं, बच्चे भी वही कबूतर बड़े होते हैं जी। कोशिश करें दोस्तों, कबूतर पहले उड़ाए वो, और मेरा फार्मूला ये है, बाकी दोस्तों भाइयों का है, ये भी है, लेकिन हर एक का अपना तरीका होता है। इसकी आखिरी कसौटी, आखिरी कसौटी कबूतरों की आसमान ही है, नीचे तो सारे अच्छे लगेंगे आपको जी जी, बाहर छोड़ोगे फिर पता लगेगा जी जी कि कितने घंटे उड़ते हैं, कितने घंटे उड़ते, फिर आपको मालूम आ जाएगा। सही बात है, शनाख्त की रही बात, आप एक जो आपका एंड पे कबूतर बैठता है जी जी, आप देखें जी जी कि इतने कबूतर उड़ाए, यार ये कबूतर ही आखिर एंड पे आता है जी जी, इसमें कौन सी ऐसी खूबी है, खूबी है पता लग जाएगा आपको, बलों में क्या है जोड़, बिल्कुल हर चीज पता, हर चीज पता चल जाता है। तो ये चीजें सारे देखें जी जी। एक अच्छा बात बोला उस्ताद ने, जो कबूतर को पहले उड़ाएं, चेक करें जी, वो बाद में जोड़े में लगाएं, ला के खूबसूरती देखे जोड़ा लगाना वो फायदा नहीं है, उसमें बंदा कामयाब नहीं होगा। बच्चे लिए मैंने जी जी, ये बच्चे इन्हीं के, ये बटेरों के बच्चे हैं, ये दो ऊपर हैं जी जी, ये दो नीचे हैं जी जी, ठीक हो गया। शौक करें दोस्तों, देखें ज़बरदस्त, देखें सारे कबूतर, वेदर कंडीशन की वजह से भी फिर ये कबूतर हमें रखने पड़ते हैं, पड़ते हैं जी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का वेदर और यहाँ का वेदर डिफरेंट है, फ़र्क है, यहाँ यहाँ के हिसाब से कबूतर बनाना पड़ता है जी, कबूतरें वही हैं लेकिन यहाँ बस तरीक़ेकार चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखे देख ले, मौसम को समझ गया वही कबूतर उड़ा सकते, सबसे अच्छा होता है यानी मौसम को समझना, मौसम को पहली बात तो ये है, ठीक है, वेदर को समझना, समझना फिर कबूतरबाजी कर सकते हैं। अक्सर पाकिस्तानी भाई हमारे आते हैं जी जी, वेदर की नहीं समझ होती, नहीं समझ होती उस टाइम, उसकी वजह से मार पड़ती है, मार पड़ती, क्यों नया नया एक तो बंदा आता है अलातुल उड़ाता है, उसके समझ में इतना जल्दी नहीं आता है, लाजमी 2-3 साल के बाद ही पता लगता है, तो बंदा बैठ के ताकि मुतमइन होके जितना अच्छा मर्जी अच्छा उस्ताद आएगा जी जी, लेकिन यहाँ वेदर कंडीशन मुख्तलिफ है, लाजमी उसको पहले वेदर को समझना पड़ता, समझना पड़ता है, फिर जाके कबूतरबाजी वो कामयाब होगा जी जी। पाकिस्तान में तो ये है ना, अक्सर हाई टेम्परेचर है 50, दूसरे दिन बारिश पड़ गई, बारिश पड़ गई, 35 टेम्परेचर हो गया, 30 हो गया शामे, इधर वो चक्कर नहीं है, इधर 50 है अगले दिन भी 50 ही है, कम करने ना, बादल आने हैं ना कोई हवा चलनी है, ये वो चक्कर नहीं है, वो इधर का मौसम हो गया, जबरदस्त हो गया जी। दोस्तों आप लोग को माशाल्लाह उस्ताद के कबूतरों का शौक दिखाएं, और बहुत ही अच्छा बेहतरीन शौक था,
और उस्ताद ने कुछ अच्छे बातें भी बोले, तो बस आखिर में दुआ करें हम लोग के लिए जो हम बाहर जा रहे हैं, शौक दिखा रहे हैं और दो मज़ीद और अच्छे शौक दिखाएंगे आप लोग को। और आखिर में यही कहना चाहते हैं, उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर ज़रूर करना।